नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 सितंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए जारी हुई अधिसूचना। अब एक क्लिक में मिल जाएगी बिहार के 72,000 स्कूलों की जानकारी। बिहार में 1 अक्टूबर से आसानी से मिलेगा बैलेट। पहले चरण के पंचायत चुनाव की काउंटिंग आज। गांव में इस तारीख से लगने लगेंगी सोलर लाइट्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए जारी हुई अधिसूचना। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के 555 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 30 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन के तहत ली जाने वाली है। इसको लेकर अभ्यर्थी अब 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसी दौरान आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने यह साफ किया है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले तक विभागों से आने वाली वैकेंसी को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे में संशोधन होने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आपको बता दें, बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीट से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। पहले चरण के पंचायत चुनाव की काउंटिंग आज। 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद ही आज मतगणना होने वाली है और 10 जिलों के 12 प्रखंडों का फैसला आने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे से सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू होगी। पहले चरण में 151 पंचायतों में कल शाम गांव की सरकार बन जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शाम तक ज्यादातर पंचायतों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आज और कल दोनों ही दिन का समय तय किया है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज अधिकतर पंचायतों के परिणाम की घोषणा हो जाएगी। यानी कि आज जिन जिन पंचायतों की परिणाम की घोषणा नहीं होगी, वहां कल परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए पूरे बिहार में लागू होगा यह मॉडल। बिहार के कई जिलों में वायु प्रदूषण परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में किसानों के बचे फसलों की पराली भी परेशानी का अहम कारण बनती रहती है। हालांकि अब समूचे बिहार में पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके तहत ही इसको लेकर रोहतास मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। ज्ञात हो, पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को देश भर के कृषि वैज्ञानिकों ने सराहा है। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अब यह किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मुहैया कराने लगा है। उसी के तहत रोहतास के सफल प्रयोग को राज्य भर में विस्तार देने पर काम शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पराली प्रबंधन के लिए लागू होने वाले रोहतास मॉडल के तहत किसानों को बेलर नाम की मशीन से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाना होता है, जिसका नाम चारा ब्लॉक दिया गया है। इसको बेचने पर अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यूपीएससी परीक्षा टॉप करने के बाद शुभम कुमार ने शेयर किया सफलता के टिप्स। यूपीएससी उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट आने वाले शुभम कुमार ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। वहीं शुभम कुमार को ये उपलब्धि रातों रात नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अपनी मेहनत का जिक्र करते हुए शुभम ने रिजल्ट आने के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत शुभम का मानना है कि यूपीएससी की सफलता के लिए खुद से टारगेट बनाना और खुद से ही रिव्यू करना होता है। गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उनसे सीखना और फिर ईमानदारी से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होता है। वहीं परिवार वालों को जैसे ही इसकी सूचना शुभम ने दी तो उनके पिता देवानंद सिंह खुशी से रोने लगे थे। वहीं उस बेटे के पिता होने पर गर्व महसूस कर रहे थे, जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। बराबर गुफाओं में आपको देखने को मिल सकता है बहुत कुछ खास। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काट कर बनाई गई है। सबसे पुरानी ये गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर में ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों में बनी हुई हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है, जिनमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गूंज का रोमांचक प्रभाव देखने को मिलता है। पहला कक्ष उपासकों के लिए एक बड़े आयताकार हॉल में एकत्र होने के इरादे से बनाया गया था और दूसरा एक छोटे स्तूप की तरह है। हालांकि ये अभी खाली है। बिहार एएनएम के 8,000 से अधिक पदों के लिए फिर से आवेदन हुए शुरू। बिहार एएनएम के 8,000 से अधिक पदों के लिए फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसके तहत अब अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 3 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अब अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org के जरिए 3 आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में समिति ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले
इन रिक्त पदों के लिए 1 जुलाई 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 21 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। इन पदों के योग्यता की बात करें तो पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ANM में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी का पंजीकरण राज्य नर्सिंग परिषद में भी होना चाहिए। पटना मेट्रो के लिए विदेशी लोन का रास्ता हुआ साफ। पटना मेट्रो के काम को पूरा करने की कोशिश में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार जुटा हुआ है। यही कारण है कि मेट्रो निर्माण के साथ साथ जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से हो रहा है। इसी बीच मेट्रो निर्माण को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत अधिग्रहण पूरा होते ही पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विदेशी एजेंसी जायका से लोन की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसके बाद अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण और खुदाई का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पटना मेट्रो की लागत करीब 17.5 हजार करोड़ का 60% हिस्सा विदेशी लोन से पूरा होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक या जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से लोन लिया जाना है। अब एक क्लिक में मिल जाएगी बिहार के 72,000 स्कूलों की जानकारी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा दीक्षा मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसके तहत अब सिर्फ एक क्लिक में प्रदेश भर के 72,000 स्कूल की जानकारी मिनटों में मिल जाएगी, जिसके तहत ही अब स्कूल में कितने शिक्षक हैं, मूलभूत संरचना की क्या स्थिति है, ये जानना आसान होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से बिहार भर के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल को जोड़ा गया है, जिसके तहत अब किस स्कूल में कितने बेंच डेस्क है, लैब और लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, खेल का मैदान और शौचालय की संख्या तुरंत पता चल जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या भी पता चल जाएगी। इसके लिए SCERT द्वारा हर जिले में टेक्निकल टीम बनाई गई है। क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट से दरभंगा निकला आगे। दरभंगा एयरपोर्ट हर दिन सफलता के नए मुकाम दर्ज कर रहा है। यही कारण है कि एक साल से भी कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या में पूर्वी क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। 4 महीने पहले प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से यात्रियों की संख्या में दरभंगा एयरपोर्ट ने भुवनेश्वर और बागडोगरा जैसे नामी एयरपोर्ट को पीछे छोड़ने का काम किया है। रायपुर एयरपोर्ट भी यात्रियों की संख्या में दरभंगा एयरपोर्ट से काफी पीछे चल रही है। जानकारों की माने तो पूर्वी क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट से दरभंगा आगे निकल चुका है। यही कारण है कि मात्र 10 महीने में यात्रियों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। गांव में इस तारीख से लगने लगेंगी सोलर लाइट्स। महानगरों से जब बिहार के शहरों की तरफ आप कूच करेंगे तो बिहार की जगमग सड़कों को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, और अगर आप बिहार लंबे समय बाद आ रहे हैं तो हैरान हो जाएंगे कि क्या ये वाकई में बिहार की सड़कें हैं। हालांकि ये खुशी की बात तो है, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जहां एक तरफ बिहार के शहरी इलाके जगमग लाइट से जगमगाते रहते हैं, वहीं गांव में बिजली तो आ गई है, लेकिन अभी भी कई गांव शाम ढलते ही अंधेरे के साए में आ जाते हैं। लेकिन अब निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब बिहार सरकार अपने वादे अनुसार बिहार के गांव में 15 दिसंबर से सोलर लाइट लगवाने का काम करने जा रही है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, जिसे नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं लाइट लगाने के लिए एजेंसी का चयन का काम बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के स्तर पर किया जा रहा है। बिहार आने वाली सभी ट्रेनों की बढ़ेगी सुरक्षा। अगले महीने से बिहार भर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिहार आने वाली ट्रेनों में सुरक्षा को बढ़ाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत RPF की तरफ से योजना तैयार की गई है, जिसके तहत ही बिहार आने वाली ट्रेनों में दिल्ली और मुंबई से आने वाली अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में RPF की 3 टीम विभिन्न रूट पर चौकस रहेगी। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो टीमें और बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा RPF की महिला बटालियन मेरी सहेली भी यात्रियों की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाने वाली है। RPF सूत्र की माने तो खासकर दिल्ली से पटना रूट में मुगलसराय से आगे यात्रियों के साथ घटनाएं होती है, इसलिए ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक का हिस्सा बनने दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीती शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार की देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में 26 सितंबर को होने वाली बैठक में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। उनके इस दिल्ली दौरे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात दिल्ली में भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ हो सकती है। इस बैठक में इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है। बिहार के
मधुबनी जिले में स्थापित होगा तितली प्रजनन और संरक्षण केंद्र। बिहार के बोधगया जिले में जल्द ही तितली प्रजनन और संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर वन विभाग ने प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके तहत हाल ही में उद्योग और वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार की देखरेख में तितली संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस दौरान 20 प्रजातियों की कुल 88 तितलियां पाई गई। अब इनके संरक्षण पर काम शुरू किया जाएगा। हालांकि तितलियों के संरक्षण और प्रजनन के लिए तैयार किए जा रहे गार्डन बेड की तरफ से लोगों के आने जाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि तितलियों को सुरक्षित रखा जा सके। बिहार में 1 अक्टूबर से आसानी से मिलेगा बालू। पिछले कई महीने से बिहार में बालू की किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि अब जल्द ही बालू की किल्लत से लोगों को राहत मिलने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि मंत्री जनक राम का कहना है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नदी घाटों से बालू खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने वाली संस्था सिया के पुनर्गठन के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन घाटों को विस्तार मिलेगा, जिससे बिहार के 6 जिले में नए सिरे से बालू खनन की व्यवस्था शुरू हो सकेगी, जिसके तहत पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद और गया ऐसे जिले हैं जहां नए सिरे से बालू खनन की व्यवस्था शुरू होगी। वहीं बिहार के नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला में पुराने बंदोबस्तधारियों को ही बंदोबस्ती की अवधि बढ़ाई जाएगी। के कई जिलों में चक्रवात को लेकर जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो आए दिन राज्य के मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों मॉनसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, अजमेर, डाल्टेनगंज, जमशेदपुर, दीघा होते हुए पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रही है। दूसरी तरफ एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और सीमावर्ती दक्षिण उत्तर प्रदेश में बना है। साथ ही साथ कम दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बना है, जो कि 48 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए ओडिशा तट पर पहुंच सकता है। इन मौसमी कारकों की वजह से 24 से 48 घंटे के दौरान राज्यों के पश्चिमी भागों के हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बाकी बिहार के एक या दो स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लेने वालों के पास आएगा अब फोन। कोविड-19 के वर्तमान में अगर आपने अब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब सेकेंड डोज नहीं लेने वालों के पास स्टूडेंट फोन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम हो रही है। अब ऐसे लोगों को बूथ पर लाने को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। पटना में हेलो वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके तहत ही स्टूडेंट अब ऐसे लोगों को कॉल करेंगे जो पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज के समय के बाद भी वैक्सीन लेने नहीं आए हैं, जिसके तहत ही एक छात्र के पास दिन भर में कम से कम 15 से 20 लोगों को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी होगी। इसको लेकर एएन कॉलेज की एनएसएस इकाई और केयर इंडिया के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद टेलीकॉलिंग की व्यवस्था बन रही है। शहरों के विकास के लिए सरकार ने जारी किए पैसे। बिहार सरकार ने बिहार के शहरी इलाकों के विकास के लिए बीते दिन 169 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिसके तहत राज्य के 12 नगर निगम के लिए 113.43 करोड़, 49 नगर परिषदों के लिए 101.31 करोड़ और 81 नगर पंचायतों के लिए 55.35 करोड़ की राशि को स्वीकृति मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले इलाकों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने बड़ी राशि को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ई म्युनिसिपैलिटी एवं डेटाबेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, मॉडल सिटी एवं टाउन मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने जैसे कामों में किया जाएगा। फेस्टिवल सीजन के बीच बिहार में रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। त्योहारों का मौसम अब बस शुरू ही होने वाला है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा करने वाले आम लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए आम लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत जयनगर पटना एक्सप्रेस 1 अक्टूबर, पटना जयनगर एक्सप्रेस स्पेशल पटना से 2 अक्टूबर, पटना सासाराम, गया बख्तियारपुर, राजगीर बख्तियारपुर राजगीर, गया पटना गया 1 अक्टूबर से और सासाराम पटना बख्तियारपुर गया राजगीर बख्तियारपुर राजगीर 2 अक्टूबर से चलेगी। वहीं समस्तीपुर जयनगर 30 सितंबर से और जयनगर समस्तीपुर जयनगर से 3 अक्टूबर से अगले आदेश तक चलेगी। मुख्यमंत्री रेणु देवी ने तेजस्वी को बताया साजिशकर्ता। जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में ही देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार में इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया है। खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसी बीच इन सभी मुद्दों को लेकर अब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से वोट बनाने की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। जब समय होगा तब जनगणना की बात की जाएगी। देश का विकास हो रहा है और
उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना की आड़ में वोट लेने की कोशिश में विपक्ष काफी वक्त से लगा हुआ है। एनडीए घटक दल में कई सारी पार्टियां हैं, सभी की सोच एक जैसी हो ये जरूरी है। मुख्यमंत्री के गृह जिला पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बीते दिन से उनके भ्रमण के अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कुशवाहा मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ता और आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने को लेकर किया जा रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोग इस पार्टी में शामिल है और सबके एकजुटता को रखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना है। वहीं इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया। 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं कन्हैया। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कब किस दल का हिस्सा कौन बन जाए और किस दल से दूर हो जाए ये कहना मुश्किल होता है। दल बदल की राजनीति तो बिहार में आम बात है। इसी कड़ी में बिहार की राजनीतिक पार्टियों में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। एएनआई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सिर्फ कन्हैया ही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ज्ञात हो हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है ये तो 28 को ही साफ हो पाएगा। लोजपा सांसद प्रिंस राज को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। लोजपा सांसद प्रिंस राज को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक युवती ने प्रिंस राज के ऊपर गलत व्यवहार करने और उसका वीडियो बनाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसपे कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि प्रिंस राज से दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आपको ये भी बता दें कि सांसद प्रिंस राज के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले को लेकर बहस भी हो गई थी, लेकिन आज मामले पर फैसला सुनाते हुए जज ने अग्रिम जमानत। आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सचिन तेंदुलकर ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में स्वच्छ विकास तंत्र योजना के तहत हरित गृह गैसों में कमी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट दिया था, जिसके अंतर्गत उसे 7 सालों के लिए 95 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का जन्म 1923 में आज के दिन हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का निधन 1956 में आज के दिन हुआ था। गोवा के स्वतंत्रता सेनानी टीबी कुन्हा का निधन 1958 में आज के दिन हुआ था। आज एक बार फिर से भिड़ेगी चार टीमें। आईपीएल के दूसरे फेज में आज एक बार फिर से चार चार टीमें एक दूसरे से मुकाबला करने वाली है, जिसके तहत आज पहले मुकाबले में सीएसके और केकेआर एक दूसरे से भिड़ेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में आरसीबी और मुंबई भिड़ने वाली है। जहां पहले मुकाबले में दोनों ही टीम एक दूसरे से जीतने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरे मुकाबले में आरसीबी अपनी खोई रौनक को वापस से हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब से आईपीएल के दूसरे फेज की शुरुआत हुई है आरसीबी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक देखने को मिला है। ऐसे में आज आरसीबी जीतने की पूरी पूरी कोशिश करती नजर आएगी। वहीं मुंबई की शुरुआत भी कुछ खास नहीं हुई है, ऐसे में मुंबई की नजर भी आज जीत पर होगी। गूगल देगा यूजर को अपनी गैलरी में प्राइवेट इमेज हाइड करने की सुविधा। गूगल फोटोज जल्द ही आपको अपनी पर्सनल इमेज को मेन गैलरी में से हाइड करने की सुविधा पेश करेगा। इसके लिए गूगल आपको आपकी सेंसिटिव इमेज को पासवर्ड से सुरक्षित रखने देगा। आप अपने प्राइवेट पिक्चर और वीडियो को अपनी मेन गैलरी में प्रदर्शित होने से बचाने के लिए बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पेज पर लॉक फोल्डर फीचर के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक आप सेंसिटिव फोटो और वीडियो को गूगल फोटो ऐप में अपने डिवाइस स्क्रीन लॉक द्वारा सुरक्षित फोल्डर में सेव। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजू यादव, प्रकाश शर्मा, अरुण कुमार, अंग्रेज कुमार, अरविंद कुमार, अशोक कुमार, अभिमन्यु तिवारी, ममता कुमारी, रॉयल ओम शंकर ऑफिशियल, राजकुमार, रंजय कुमार, सुमन देवी, अनिता सिंह, सोनू पासवान, रितेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल में खेले गए अब तक के मैचों को देखते हुए किस टीम के जीतने के सबसे ज्यादा आसार हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।